हेलो दोस्तों वेलकम टू सेंटम अकेडमी यूट्यूब चैनल तो आज हम आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेके आए हैं एक और परमोटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जिसको हम आज दो तरीके से सॉल्व करेंगे पहले तो मैं इसका कोड लिखूंगा इसको सॉल्व करने के लिए पाइथन पे एक छोटा सा कोड है उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारे जो जेई के एस्पिरेंट हैं उनको कुछ फायदा मिल सके तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है नंबर ऑफ एट डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन विदाउट रेपिटेशन इफ ईच नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय टू सेवेंटी फाइव तो हमें एट डिजिट नंबर्स की संख्या निकालनी है जो कि टू सेवेंटी फाइव से डिविजिबल हो और वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डिजिट से बना हो ओके okay? तो आइए सबसे पहले इसको कोड करते हैं कोड करने के लिए नॉर्मली मैं ऑनलाइन पाइथन पे कर लेता हूँ इसका आई मुझे अच्छा लगता है लेट्स स्टार्ट कोडिंग तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक काउंटर बनाएंगे ओके सो काउंट इक्वल टू जीरो ठीक है ताकि ये हमारा काउंट कर सके उसके बाद मैं एक छोटा सा एरे बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ वही नंबर रखूंगा जो कि हमारे क्वेश्चन में है तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जो थे वो थे वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन ठीक है अब इसके बाद एक लूप बनाते हैं जिसमें मैं सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लूंगा जो कि इस अरे में है तो लिखते हैं फॉर ए इन नम उसके बाद क्योंकि मुझे एक एरे को चेंज करना है तो मैं क्या क्या करूँगा उसकी एक कॉपी बना लूँगा जैसे मैं कोड लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ तो मैं इस नम की एक कॉपी बना दूंगा ये एक डीप कॉपी है क्योंकि इसकी आईडी अलग होनी चाहिए अगर मैं डीप कॉपी नहीं करूँगा शैलो कॉपी करूँगा तो आईडी सेम हो जाएगी इसीलिए मैं इसकी डीप कॉपी करूँगा यहाँ पर फिर उसमें से मैं उस नंबर को हटा लूँगा नहीं तो क्या होगा दोस्तों की नंबर रिपीट होने लग जाएगा ठीक है तो मैंने एक न्यू करके नया सा अरे बनाया है और उस अरे से मैं रिमूव कर दूंगा जो ए एलिमेंट मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है ओके इसी प्रकार से यह सिलसिला जारी रहेगा तो अब मैं एक और लूप चलाऊंगा और ये फाइनली हमारा जो लास्ट फॉर लूप है वो आने वाला है फॉर एच इन न्यू सिक्स अब हम यहां पे वो नंबर लिखेंगे जो हम बनाना चाहते हैं काफी बड़ा नंबर है वो वो होगा आपका जो ए है मल्टीप्लाइड वे टेन टू सेवन। बी इन टू टेन टू सिक्स। और फाइनली फाइनली यहां पे हम डालेंगे इफ कंडीशन क्या है इफ कंडीशन कि अगर नंबर डिविजिबल है 275 से सो इफ कैपिटल एन मॉडुलो 275 सेवेंटी फाइव इज इक्वल इक्वल टू जीरो तो हमारा काउंट क्या कर दीजिए एक से बढ़ा दीजिए ठीक है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन ठीक है चलिए अब यहां जो हो गया हमारा कोड कंप्लीटेड है अब फाइनली आउटपुट भी देख लेते हैं प्रिंट काउंट चलिए कोड को रन करते हैं रन करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो है थर्टी का क्या कर रहे हैं थर्टी सिक्स आंसर इसका आना चाहिए थर्टी सिक्स ठीक है अब इसी चीज को इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे दोस्तों क्योंकि ये तो हमने कोड लिख के किया ठीक है कोड लिख के सीखने के लिए किया अब ये भी कंफर्म करने के लिए किया कि आंसर सही है कि नहीं अब आइए इसको देखते हैं मैथमेटिकली तो चलिए वापस से चलते हैं अपने नोटपैड पे। तो यहां पर सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि नंबर अगर टू से डिविजिबल है तो उसको दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा सो द नंबर मस्ट बी मस्ट बी डिविजिबल बाय 25 एंड 11 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा तो अगर वो 25 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी बाय ट्वेंटी फाइव इसका ये मतलब है कि लास्ट के जो दो डिजिट होंगे ना वो सेवेंटी फाइव होना ही होगा ओके सो लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी सेवेंटी फाइव सेवन फाइव सेवेंटी फाइव ठीक है ठीक है और उसके अलावा अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय इलेवन कंफर्म करना है तो क्या होना चाहिए जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस है ना वो डिविजिबल बाय इलेवन होना चाहिए सो ऑर्ड प्लेस सम माइनस इवन प्लेस सम शुड बी इक्वल टू व्हाट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ इलेवन ठीक है यहां देखिए जैसे आप लिख रहे हो कोई भी नंबर लिख रहे हो नाइन वन फोर थ्री एट सिक्स सेवन फाइव तो ये है हमारा ऑर्ड प्लेस नंबर ठीक है तो ऑर्ट प्लेस में ये सारे नंबर आएंगे ठीक है इवन प्लेस में ये येलो वाले आएंगे ठीक है तो सेवन तो हमारा ऑट प्लेस में होगा ही होगा तो हमें यहां पे सेवन तो रखना ही पड़ेगा ठीक है तो जो हमारे ऑर्ट प्लेसेस वाले नंबर हैं उसमें सेवन तो आएगा ही और जो हमारे इवन प्लेसेस वाले नंबर हैं उसमें फाइव तो आएगा ही ठीक है अब हम लोग कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन यहां ट्राई करते हैं यहां पर अगर हम लोग अगर हम लोग नाइन रखते हैं फोर रखते हैं और एट रखते हैं ठीक है नाइन सेवन फोर और एट तो इसकी जो संख्या आती है वो होती है ट्वेंटी एट ठीक है और यहां अगर हम लोग वन थ्री फाइव और सिक्स रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन तो ये आ जाता है थर्टीन थर्टीन से तो हमारा काम नहीं चलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा आ, कोशिश करते हैं थ्री और फोर की पोजिशन को रिप्लेस करने की तो यहां पे हम रख देते हैं थ्री को यहां हम रख देते हैं फोर को ठीक है अब देखते हैं कितना सम आता है सिक्सटीन प्लस इलेवन ट्वेंटी सेवन और यहां पे आ रहा है दोस्तों कितना ट्वेंटी सेवन और ये हो जाएगा फिफ्टीन ठीक है फिफ्टीन नहीं नहीं फिफ्टीन नहीं सिक्सटीन तो ये आ जाएगा हमारा इलेवन करेक्ट अब हम लोग क्या करेंगे सेवन तो फिक्स है यहां पर नाइन थ्री और एट को थ्री फैक्टोरियल में अरेंज किया, किया जा सकता है इट कैन बी अरेंज इन थ्री फैक्टोरियल वेज और यहां से वन फोर और सिक्स को भी थ्री फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है करेक्ट सो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन के आएंगे वो होगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बन के आएंगे वो होगा थ्री फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट सिक्स इंटू सिक्स इज थर्टी वेज तो ये हो गया दोस्तों परमुटेशन कॉम्बिनेशन के स्किल से इस सवाल को सॉल्व करना तो आपने दोनों तरीके से देख लिया कोडिंग से भी हमारा आंसर थर्टी सिक्स ही आ रहा था और यहाँ पे हम लोगों ने जो परमुटेशन uh, कॉम्बिनेशन का ट्रिक लगाया उससे भी आंसर थर्टी सिक्स ही आ रहा था सो कीप लर्निंग बाय बाय हैव अ गुड डे